परमान राजवाड़े मोटिवेशनल स्पीकर है यहाँ पर, जो कि डॉक्टर पीएस केरकेटा महोदय जी हैं, जो कि चिकित्सा अधिकारी हैं। मैं जानकारी चाहूँगा सर, अभी जो कि कोरोना वायरस है ना, कोविड-19 का जो प्रकोप चल रहा है, तो उसके बारे में सतर्कता बताइए सर, कि जो कि जागरूक हों पब्लिक अभी इसके बारे में सर। हाँ, बस ये फरमान जारी हो चुकी है जी कि लोग घर में रहें, घर से ना निकलें। जी हाँ, और तो इसमें क्या है कि इसका जो चैनल रहता है ये टूटने का है, सरकार का ये नियम है, आदेश है जी कि लोग घर से ना निकलें जी जी और एक दूसरे से दूरी बना के रखें, जी और निकल भी जाते हैं तो अनावश्यक ना निकलें, जी बुजुर्ग और बच्चे अस्पताल भी ना आएँ, जी अगर एकदम ज़रूरी हो तभी आएँ जी जी और अपने अपने घरों में रहें। जी इसका जो दवा सर मिला है कि नहीं मिला है, कि कैसे इलाज करते हैं जो पॉजिटिव मिलता है उनका नहीं, सर? ये तो ऐसा पॉजिटिव वगैरह का काम, ये सब यहाँ पे पॉजिटिव वगैरह का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जी इसको अगर इस टाइप के कुछ संदेह होती है तो उसको अंबिकापुर भेजा जाता है खून जांच के लिए, जी जी फिर वो रायपुर से, फिर वो जो उसका जो मैनेजमेंट होता है ना, वो सब रायपुर में होता है। कहते हैं सर कि जो हाँ सतर्कता है, डिस्टेंस रहिए, सोशल डिस्टेंस रहिए, हाँ हाथ धोइए, और बहुत ही जैसे ज़रूरी है तभी आप हाँ निकलिए। 14 तारीख तक हाँ जो कि अभी लॉकडाउन किया गया है हाँ उसका पूर्ण रूप से पालन करें, है हाँ ना? अगर नहीं पालन करते हैं, ज़िंदगी रहेगा तभी आपका सब कुछ है, ज़िंदगी हाँ नहीं रहेगा तो आप स्वयं भी नहीं रहिएगा, परिवार भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो सर्वप्रथम आता है कि प्राथमिकता है जीवन, जी जीवन हिफाजत रखिए, अपने आप में हाँ सुरक्षित रहिए, सतर्क अपने आप को जिम्मेदार समझिए कि अपने आप को अगर सुरक्षित रखिए तभी कुछ हो सकता है सर। तो जी इसके हाँ बारे में एक और है, बहुत ही पॉजिटिव अगर लिया जाए इस बात को, कि घर में जैसे आजकल भाग दौड़ जिंदगी है, भाग दौड़ जिंदगी में क्या है कि समय नहीं मिल पाता था, तो बहुत ही अच्छा अगर सकारात्मक नजरिए से देखा जाए तो कि घर के साथ में टाइम एक्सपेंड कीजिए सब जो एक भी। साथ घर में रह के जी जी अपना अच्छे से शांति से जी अपना काम कर बहुत सकते हैं सारा घर में। शिकायत मिलता था कि बीवी जैसे अपने पति टाइम ही नहीं दे पाते थे सर, तो हाँ, अभी टाइम देने के लिए बहुत ही बहुमूल्य समय है। और बहुमूल्य है। आप साहित्य लिखना चाहते हैं साहित्य लिख सकते हैं, कोई भी आप स्किल करना चाहते हैं या पुस्तक रीडिंग करना चाहते हैं तो पढ़ाई कर सकते हैं। तो जो आप पुराना रिकॉर्ड आप बहुत दिन से सोच रहे थे कि नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये बहुत ही बहुमूल्य समय मिल रहा है 14 दिन का, चाहे जितना भी। आज जो कि 6वां दिन है, 31 तारीख, हाँ, 25 तारीख को हुआ था हाँ, सर, 25 तारीख तो से। ये हाथ जैसे सर्वप्रथम तो आप बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाइए, हैंड वाला और जो भी है, और दूसरा चीज़ है साबुन में लगाइए सर, है ना? आने के बाद में साबुन से धोया करें जी, आपको, और अगर साब बाहर हैं तो सैनिटाइजर का यूज करें, उपयोग करें, और जैसे घर आते हैं तो साबुन साबुन से हाथ को धोएं। हाँ, ये है। जी। तो अभी सर ट्रेनिंग में आप गए रहे होंगे तो क्या क्या हिदायत दिए हैं? अंबिकापुर में गए थे क्या अभी? हाँ, कल गए थे ना। जी, तो क्या क्या हाँ, वहाँ बस कुछ? वही है, सावधानी जी सावधानी ही इसका वो बचाव है, जी जी सावधानी ही इसका बचाव है, जी तो उसके लिए क्या क्या सावधानी है उसके हिसाब से अपन काम कर रहे हैं। जी जी उसका जो का एक बार फिर बता दीजिए सर, क्या का पर ध्यान देना चाहिए? ये क्या, ये तो सबसे पहले तो ये है कि सावधानी, जी एक दूसरे से मतलब टच ना हो। जी हाँ, टच होते हैं तो जैसे साबुन से हाथ धो, जी अगर घर के हैं तो साबुन से हाथ धो, जी और सैनिटाइजर का उपयोग करें, जी ठीक है, और जी भीड़ भाड़ में ना रहें, जी बेवजह का ना निकलें। जी लोगों से ये अपील है कि जी मतलब लोगों की बेवजह अनावश्यक रूप से ना निकलें घर जी से। जी हाँ, जी और अपने आप को सुरक्षित रखिए, सुरक्षित रहें। अपने परिवार को हाँ, सुरक्षित रखिए, अपने सुरक्षित गांव। ही, सुरक्षा ही मेन उसका बचाव जी है जी उसका। जी और मेरे को लगता है सर कि जो 21वीं सदी में सबसे खतरनाक अदृश्य जो कहना चाहिए, मिसाइल है कहना चाहिए, हमारे हाँ, ऊपर दाग अदृश्य। रहा है। अब इसे लड़ना सिर्फ सोशल डिस्टेंस से दूर रहना, सतर्कता ही से युद्ध में जीतना का मात देना है सर। तो इस तरीके से बहुत ही बहुमूल्य डॉक्टर साहब आप दे रहे थे, उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपके अल्फाज को सुन करके जनता में सकारात्मक संदेश जाएगा और सतर्क रहेंगे और अपने आप को हिफाजत रखेंगे, मेन अपने है, परिवार को। जैसे मान लो बाहर से आते हैं जी जी वो उसको अपने आप को छुपाए मत, जी वो सामने आए जी तो इससे और नहीं फैलेगा। कहते हैं सर डॉक्टर साहब कि अगर बीमारी है किसी को और वो छुपाएगा, डॉक्टर साहब के पास जाएगा, तो सही इलाज कहाँ होगा सर? तो आप सही चीज़ बताइए, ओरिजिनल बताइए, क्या तकलीफ़ है, मतलब क्या अपने चीज़ आप है। को ना छुपाएं। जी, नहीं छुपाना है तो अच्छा इलाज हो सकता है, और छुपाने से आप मतलब उस बीमारी को और बढ़ावा दे रहे हैं, आप बढ़ावा दे रहे हैं। छुपा रहे हैं तो अब बढ़ जाएगा, तो बहुत खतरा हो जाएगा सर। तो बहुत ही जानकारी, अच्छा जानकारी दिए सर क्रिकेटा साहब आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस बहुमूल्य जानकारी के लिए, शुक्रिया। मेरा चैनल है परमान राजवाड़े मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब, उसमें लाइक कीजिएगा, बहुत सारा साहब से अभी मिल रहा था जानकारी ले रहा था, उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद सर आपको। ओके।